जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, हमने आपसे YouTube पोल के थ्रू एक सवाल पूछा था कि क्या आप आर्मी जीडी और एसएससी जीडी में अंतर जानना चाहते हैं। और दोस्तों, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि जिन लोगों ने वोट किया था उसमें से 93% सब्सक्राइबर्स आर्मी जीडी और एसएससी जीडी में अंतर जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आर्मी जीडी और एसएससी जीडी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन में क्या अंतर होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आर्मी जीडी और एसएससी जीडी की भर्ती कब कब होती है। साथ ही हम ये बात करेंगे कि इनको मिलने वाली सैलरी में कितना अंतर होता है। इसके अलावा इनको मिलने वाली जो बेसिक फैसिलिटीज होती है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि पेंशन इनको मिलती है या फिर नहीं मिलती है। इसके अलावा इनको कैंटीन फैसिलिटी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो इस तरह से आपके मन में आर्मी जीडी और एसएससी जीडी में अंतर को लेकर जो भी सवाल है उनको इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो 25,271 पदों पर भर्ती निकली है उसके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो हमने इसका एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप आर्मी जीडी और एसएससी जीडी के मेडिकल टेस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इनका भी हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं इंडियन आर्मी जीडी और एसएससी जीडी में अंतर के बारे में। भारतीय अर्धसैनिक बलों यानी कि इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन आर्मी, दोनों का काम देश की सुरक्षा करना है, लेकिन दोनों बलों को अलग अलग सिचुएशंस में काम करना पड़ता है। भारतीय सेना जहां रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है तो वहीं अर्धसैनिक बल यानी कि इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जब हम इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं तो इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेज में बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एसएसएफ यानी कि सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स और आसाम राइफल्स जैसे सुरक्षा बल आते हैं। आर्मी जीडी और एसएससी जीडी में जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो आर्मी जीडी के जवान होते हैं वो देश के बाहरी खतरों से निपटने के लिए होते हैं और इन्हें आंतरिक मोर्चों पर तैनात नहीं किया जाता है। तो वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी कि जो एसएससी जीडी के जवान होते हैं उनकी तैनाती देश के अंदर के खतरों जैसे कि नक्सल समस्या या वीआईपी सिक्योरिटी या फिर जो अन्य आंतरिक मोर्चे होते हैं उन पर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों को बॉर्डर की सुरक्षा में भी तैनात किया जाता है, लेकिन इनकी पोस्टिंग ऐसे एरिया में होती है जहां पर शांति हो और युद्ध नहीं चल रहा हो। आइए अब हम आर्मी जीडी और एसएससी जीडी में अंतर को और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी जीडी और एसएससी जीडी को ज्वाइन करने के लिए आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी जरूरी है। तो आपको बता दें कि आर्मी जीडी और एसएससी जीडी दोनों को ज्वाइन करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक फर्क है और वो फर्क यह है कि आर्मी जीडी में अप्लाई करने के लिए आपके 10th क्लास में एग्रीगेट यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर 45% मार्क्स होने जरूरी है, वहीं हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 33% मार्क्स होने जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 10th ऐसे बोर्ड से करी है जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम है तो वहां पर आपको एग्रीगेट जो है वो C2 ग्रेड होना जरूरी है और हर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपका D ग्रेड होना जरूरी है। जबकि एसएससी जीडी में कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसमें आपको बस 10वीं पास होना जरूरी है। तो ये हो गई आर्मी जीडी और एसएससी जीडी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिफरेंस। अब हम बात करेंगे कि आर्मी जीडी और एसएससी जीडी की भर्ती के लिए आपकी उम्र में क्या अंतर होता है। तो आपको बता दूं कि आर्मी जीडी के लिए आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल होती है और अधिकतम उम्र आपकी 21 साल तक हो सकती है। वहीं एसएससी जीडी के लिए आपकी कम से कम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र आपकी 23 साल तक होती है। अब हम बात करेंगे कि आर्मी जीडी और एसएससी जीडी की भर्ती कब कब होती है। तो आपको बता दें कि आर्मी जीडी की भर्ती हर साल डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, वहीं एसएससी जीडी की भर्ती 2 से 3 साल में एक बार होती है और ये भर्ती पूरे इंडिया लेवल पर होती है। दोस्तों, यहां पर आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इंडियन आर्मी और एसएससी जीडी रेली भर्ती के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको जो भी नई रेली भर्ती आती है उसके डिटेल वीडियो मिल जाएंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। अब बात करते हैं कि क्या आर्मी जीडी और एसएससी जीडी के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि आर्मी जीडी के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, वहीं एसएससी जीडी के लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आर्मी जीडी और एसएससी जीडी के लिए चुने गए कैंडिडेट्स के आगे के पद कौन कौन से होते हैं। तो पहले बात करते हैं आर्मी जीडी के बारे में। तो आर्मी जीडी का अगला पद होता है, आपको बता दें कि आर्मी जीडी सिपाही जो पोस्ट होती है उसके अंतर्गत आता है। तो सिपाही के बाद जो अगली जो पोस्ट होती है वो होती है लांस नायक, उसके बाद होती है नायक, उसके बाद होती है हवलदार। इसके बाद फिर आगे और जूनियर कमीशन रैंक होती है, वो आगे रैंक्स होती हैं।
दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी की रैंक्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, बात करते हैं एसएससी जीडी की प्रमोशनल पोस्ट यानी कि आगे के पदों के बारे में। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के बाद आपका अगला पद होता है सीनियर कांस्टेबल का, उसके बाद आपका अगला पद होता है हेड कांस्टेबल का, इसके बाद आपका पद होता है एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके बाद आता है आपका एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, और एसआई के बाद जो आपका अगला पद होता है वो होता है आपका इंस्पेक्टर का। तो ये थे आर्मी जीडी और एसएससी जीडी के आगे के यानी कि जो प्रमोशनल पोस्ट होती है वो। अब बात करते हैं आर्मी जीडी और एसएससी जीडी के रिटायरमेंट एज में अंतर के बारे में। तो आपको बता दें कि आर्मी जीडी की रिटायरमेंट एज 20 से लेकर 24 साल होती है, लेकिन अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपकी रिटायरमेंट एज बढ़ सकती है। वही बात करें एसएससी जीडी में रिटायरमेंट एज की, तो एसएससी जीडी के जवान 60 साल की उम्र तक रिटायर होते हैं। अब हम बात करेंगे आर्मी जीडी और एसएससी जीडी को मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो आपको बता दें कि आर्मी जीडी की जो सैलरी होती है वो 30 से 32 हजार तक होती है, वहीं एसएससी जीडी की सैलरी 25 से 26 हजार तक होती है। और ये आपकी सैलरी जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है उसके साथ बढ़ती जाती है। सैलरी के अलावा दोनों को ही अदर अलाउंसेस भी यहाँ पर मिलते हैं। अब बात करते हैं पेंशन के बारे में। तो आपको बता दें कि आर्मी जीडी में पेंशन मिलती है जबकि एसएससी जीडी में पेंशन नहीं मिलती है। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे आर्मी जीडी और एसएससी जीडी को मिलने वाली कैंटीन फैसिलिटी के बारे में। तो आपको बता दें कि कैंटीन फैसिलिटी आर्मी जीडी और एसएससी जीडी दोनों को ही मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था आर्मी जीडी और एसएससी जीडी में अंतर के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे इस चैनल पर आने वाले ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल या डाउट हो तो आप अपना सवाल इस वीडियो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।